हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू चैप्टर इन फार्मास्यूटिक्स फिल्ट्रेशन एंड क्लारिफिकेशन। लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि लिक्विड और सॉलिड का जो मिक्सचर होता है उसमें से हमें अगर सॉलिड निकाल देना हो, क्लियर लिक्विड ऑब्टेन करना हो, तो उसको हम किसी पोरस मीडियम से पास कराएंगे उस पूरे लिक्विड को, जिसमें से उस पोरस मीडियम पे सॉलिड रिटेन हो जाएगा, फंस जाएगा और वहाँ केक जैसा कुछ बना लेगा और क्लियर लिक्विड उसके नीचे ऑब्टेन कर लिया जाएगा, हम कलेक्ट कर लेंगे उसको। ये फिल्ट्रेशन एक जनरल प्रोसेस है। अगर इसी फिल्ट्रेशन को इसी जो मीडियम है सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर, इसमें अगर सॉलिड पार्टिकल्स की का जो अमाउंट है वो बहुत कम हो, लेस देन करीब 0.1% से भी कम हो, तो उस केस में हम उसे बोलेंगे क्लैरिफिकेशन। दैट इज़ मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा कि क्लैरिफिकेशन का मतलब है कि और ज़्यादा क्लैरिफाई कर रहे हैं आप उसको, उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स जो बहुत लेस अमाउंट में है उन्हें भी आप सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो ये फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन, इसलिए इस चैप्टर का नाम है। अच्छा, हम देखते हैं कि इसमें फिल्ट्रेशन में ब्रॉडली क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो स्लरी होता है। स्लरी मतलब वो पूरा मिक्सचर जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं, जिससे आप क्लियर लिक्विड पाना चाहते हैं, जिसमें से सॉलिड हटा देना चाहते हैं, सॉलिड पार्टिकल, उस पूरे को, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, उसको स्लरी कहते हैं। सस्पेंशन फॉर्म में होगा वो, यानी लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल क्यों रहते हैं? क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होते उसमें। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स नहीं डिसॉल्व होंगे वो उस लिक्विड में रहेंगे, वो सारे फिल्टर आउट किए जाएंगे। तो ये पूरे को स्लरी बोलते हैं कलेक्टिवली। अब स्लरी को पास कराने के लिए जिस मीडियम से हम पास कराएंगे उसे फिल्टर मीडियम बोलेंगे। फिल्टर मीडियम क्या होगा? पोरस फॉर्म ऑफ एक झिल्ली टाइप की होगी जिसके ऊपर आप स्लरी रखेंगे और धीरे धीरे पास होगा। आप ऐसे समझें कि चाय बनाते हैं जब, तो चाय बनाने में आप जब चाय पूरी बन जाती है तो उसमें चाय पत्ती भी होती है, पानी भी होता है, दूध भी होता है और बहुत सारे अलग अलग इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, जो भी आपने मसाले डाल रखे होते हैं। वो उनमें से बहुत सारा पार्ट सॉलिड होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो दूध और पानी का होता है। तो जब हम कप में चाय लेते हैं तो उसको एक छन्नी से पहले छानते हैं, फिर उसके बाद हमको क्लियर लिक्विड मिलता है और उसको हम पीते हैं। बाकी जो सॉलिड ऊपर जो केक बचता है उसे फेंक देते हैं। उसी तरह से, उसी कॉन्सेप्ट से आप समझें कि स्लरी जो होता है पूरी एक चाय है जिसमें सब कुछ है, सॉलिड लिक्विड। फिल्टर मीडियम क्या है? जो छन्नी है वो फिल्टर मीडियम है। फिल्टर केक क्या होता है? फिल्टर केक जो छन्नी के ऊपर फिल्ट्रेशन के बाद जो सॉलिड कलेक्ट होता है, डिपॉजिट होता है, उसको फिल्टर केक बोलते हैं। फिर फाइनली जो आपको क्लियर लिक्विड मिलता है लास्ट में, वो फिल्ट्रेट है। मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन में देखें तो जो होती है ये सॉलिड मटेरियल जो होता है उसको रोक लेता है फिल्टर, यानी उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, यानी उसको बाहर अपने से पास होने नहीं देता। तो ये इस रेजिस्टेंट की वजह से वो लिक्विड ऊपर रह जाता है, सॉलिड ऊपर रह जाता है और लिक्विड छन के नीचे आ जाता है। ये मैकेनिज्म है। इसमें जो केक बन रहा है, जो रिटेन हो रहा है फिल्टर के ऊपर, वो भी धीरे धीरे फिल्टर का काम करने लगता है। तो उसे सेकेंडरी मीडियम भी कह सकते हैं। प्राइमरी मीडियम क्या हो गया? जो आपका फिल्टर, एक्चुअल में जो फिल्टर है उसके ऊपर अगर केक थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होता जाता है तो उसमें भी लिक्विड ऐड होते जाएगा, तो थोड़े थोड़े पोर्स बनते जाएंगे और वो भी एक सेकेंडरी मीडियम का काम करेगा, तो वो आपका फ्लो थोड़ा कम कर देगा। लेकिन तो ये इसको आप सेकेंडरी, तो ये इसका मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन का। अगर देखें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसके कारक कौन कौन से हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन रेट का मतलब कि आपका जो फिल्टर जितने आसानी से होना चाहिए वो किन किन कारणों से वो बदलता है। तो एक डार्सी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डार्सीज लॉ दिया था, जो था कि वी इज़ इक्वल्स टू के ए डेल्टा पी अपॉन न्यू एल। तो इसमें क्या था कि वेलोसिटी
वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट जो आपका फिल्ट्रेट जो छन्नी जो पूरा छन के आ रहा है वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मतलब उसका आयतन कितना उसमें उसका अमाउंट आ रहा है छन के, वो किसके बराबर होगा? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, एक तो कोफिशेंट जो होगा वो और एरिया ऑफ फिल्टर बेड जो फिल्टर पेपर है या जो भी आप फिल्टर यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना एरिया है। अगर आप ज़्यादा एरिया यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फिल्टर होगा, कम एरिया यूज़ करेंगे तो कम उससे पास होगा लिक्विड। तो ये एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और आपका कितना प्रेशर डिफरेंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन विस्कोसिटी जो होती है यानी थिकनेस ऑफ लिक्विड, कितना गाढ़ा लिक्विड है, उसका इनवर्स प्रोपोर्शनल है ये डार्सी लॉ। यानी कि आपकी जितनी जो थिकनेस होगी उस लिक्विड में उतना कम वो धीरे धीरे पास होगा, है ना। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता जाएगा जैसे जैसे विस्कोसिटी लिक्विड की बढ़ती जाएगी। और एक और बात पे भी है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, जो केक आपका बन रहा है फिल्टर के ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स का, उस केक की जितनी मोटाई बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा वो फिल्ट्रेशन रेट कम होता जाएगा। यानी आप चाय पत्ती में चाय छन्नी में चाय छानते हैं जब, तो जैसे जैसे उसमें वो केक बढ़ता जाता है धीरे धीरे वो चाय कम गिरने लगती है उसमें से। तो यही ऐसे समझें, तो ये आपके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो प्रेशर आपका जो उसका जो लिक्विड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फिल्टर मीडियम और फिल्टर केक के बीच में, और जो पार्टिकल साइज है कितनी, मतलब सॉलिड को जिसको रिमूव करना है उसकी पार्टिकल साइज उसकी उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और थिकनेस ऑफ केक आप समझ ही चुके हैं। तो इस तरह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अगर देखें तो एरिया ऑफ इसके बराबर किसके होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, एक हम मैथमेटिकल इक्वेशन में देखें तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिल्टर इनटू प्रेशर डिफरेंस अपॉन वेलोसिटी इनटू रेजिस्टेंस ऑफ केक एंड फिल्टर। तो ये ऐसे आपको देखें तो फिल्टर करने के लिए जो स्लरी यूज़ करेंगे सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर, उस मिक्सचर को एक हद तक अगर हम नॉर्मली यूज़ करें तो अगर एक टाइम पे वो जाके केक डिपॉजिट होने लगेगा या केक थोड़ा थिक हो जाएगा, कुछ विस्कस ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, यानी कम लिक्विड ऑब्टेन हो रहा है हमें। तो हमें इस चीज़ को दूर करने के लिए कुछ उस स्लरी के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल मिलाने पड़ते हैं जिससे क्या होता है कि वो जो केक बने वो पोरस रहे, उसमें छेद छेद बनी रहे ताकि वो पास होता रहे लिक्विड उसके अंदर से। तो वो फिल्टर एड जो भी आपका होगा वो सारा उसमें स्लरी में ऐड करते जाएंगे और वो धीरे धीरे उस केक को अच्छा बनाता जाएगा। तो इसके लिए पोरस बनाएगा और फ्लो के लिए आसान करेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो उसमें या क्या क्या यूज़ होता है कि जैसे कभी टाल्क जो पाउडर होता है, चाक, चारकोल, क्लेज, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिका, एल्युमिनियम सिलिकेट, सेल्यूलोज, एस्बेस्टोस, इनमें से बहुत सारी चीज़ें फिल्टर एड की तरह स्लरी में ऐड करके डाली जाती हैं, तब वो केक को थोड़ा पोरस बना देता है। ये तो फिल्टर एड है यानी उसमें मदद कर रहा है वो फिल्ट्रेशन में, लेकिन एक्चुअली फिल्टर्स जो होते हैं तो वो कितने सारे मटेरियल्स के बनते हैं, वो जैसे कॉटन के बन सकते हैं और आपका ग्लास का बन सकता है, ग्लास वूल का, कॉटन वूल का, और और जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं फिल्ट्रेशन में वो आपके फिल्टर प्रेस, फिल्टर कैंडल, सिंस्टर फिल्टर,
फिल्टर लीफ, मेम्ब्रेन फिल्टर, मेटा फिल्टर, सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, फिल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूम वॉलेटाइल लिक्विड, तो ये कई तरह के फिल्टर्स यूज़ हो सकते हैं। उनको हम छोटे छोटे डिस्कशन में लेते हैं कि एक तो सिंटर्ड फिल्टर जो होता है उसको देखते हैं कि ग्लास जो होती है उसको पहले क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, फिर उसको हीट से गर्म करके उसको सॉलिडिफाई किया जाता है। पहले लिक्विफाई होता है, फिर उसके बाद उसको कूल डाउन करके सॉलिडिफाई कर देते हैं। उससे होता क्या है कि जो पाउडर्ड फॉर्म में ग्लास जो क्रश्ड फॉर्म में है वो जब कूल डाउन वो लिक्विफाई होती है और फिर उसके बाद जब कूल डाउन होती है तो छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, तो एक तरह से वो फिल्टर की तरह बन जाता है। तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो इस तरह का होता है कि वो ग्लास को ही फिल्टर के फॉर्म में ले आते हैं। एक होता है फिल्टर कैंडल। फिल्टर कैंडल जैसे आपने देखा होगा पहले पानी को छानने के लिए कैंडल्स यूज़ होते थे, तो वो पोर्सलेन का बना होता था, उसके उसके सरफेस पे पोर्स होते हैं। उस कैंडल को इमर्स कर दिया जाता है पानी में या जिस भी इस जिसको आप उस स्लरी में इमर्स कर देते हैं, फिर पोर्स के थ्रू जो क्लियर लिक्विड है वो पास होके सेंट्रल टनल से बाहर निकलता है और जो स्लरी का सॉलिड पार्ट है वो उसके सरफेस पे ही रेजिस्ट हो जाता है, वहीं रुक जाता है। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है कैंडल्स में। एक होता है फिल्टर लीफ, उसमें मसलिन की क्लॉथ या कोई सारी क्लॉथ यूज़ करते हैं, क्लोथ्स को रैप कर देते हैं उसके ऊपर और फिर उसके बाद उसको इमर्स कर देते हैं, पानी में डुबा देते हैं या जिस भी स्लरी में डुबा देते हैं। तो उससे क्या होता है क्लोथ के ऊपर जो सॉलिड डिपॉजिट होता रहता है बाकी लिक्विड पास होके अंदर एक उसके थ्रू सेंट्रल पैथ होता है उसके थ्रू निकल जाता है आउटलेट से, उसका क्लियर लिक्विड ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और सेडिमेंटेशन के थ्रू भी हम बहुत सारा फिल्ट्रेशन करते हैं और फिर वॉलेटाइल लिक्विड को फिल्टर करने के लिए भी एक तरीका है कि वॉलेटाइल का मतलब जो लिक्विड है वो डायरेक्ट उसमें गैसेस फॉर्म में बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो गैसेस फॉर्म में आके वो बाहर निकल जाएगा, तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंट करने के लिए क्लोजली पैक कर दिए जाते हैं। तो उस क्लोजली पैक कंडीशन में ही उसको वापस से सर्कुलेट करके उस पाइप के थ्रू दूसरे चैम्बर में ले जाके फिर वापस कूल डाउन करके लाया जाता है। तो इस तरह से हम सॉलिड अलग कर लेते हैं और लिक्विड क्लियर ऑब्टेन कर लेते हैं। तो फिल्टर क्लॉथ के बारे में जान लेते हैं। फिल्टर क्लॉथ जो होते हैं सिंथेटिक भी होते हैं और नेचुरल यानी कॉटन के बने भी होते हैं। तो जो कॉटन के बने होते हैं उसमें ख़ास बात ये होती है कि वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, तो वो कभी कभी ठीक नहीं रहता। जबकि सिंथेटिक जो फिल्टर क्लॉथ है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता उसमें, लेकिन फिल्ट्रेशन पूरा पूरा होता है। तो इसलिए कभी कभी उसको नाउअडेज सिंथेटिक फिल्टर क्लॉथ प्रेफर्ड इवन मोर। तो और एक मजलिन क्लॉथ होता है जो सिंपल क्लॉथ होता है कलरलेस क्लॉथ, उसको भी यूज़ करते हैं। वो यूजुअली फ़िल्टर लीफ पे यूज़ होता है रैप करके, जो भी बताया था मैंने। फ़िल्टर प्रेस एक होता है जिसमें प्लेट और फ्रेम होती हैं, बीच में कॉटन की एक लेयर होती है क्लॉथ की और फिर इनलेट से स्लरी पास कराई जाती है, फिर उसको प्रेस किया जाता है और फिर इस तरह से अंडर प्रेशर जो है फिल्ट्रेशन होता है उसमें। तो ये कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस थी। ब्रॉडली हम देख रहे थे कि फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन जो प्रोसेस है यही है कि सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर में से सॉलिड को अलग करके क्लियर लिक्विड ऑब्टेन किया जाए। तो मेडिकामेंट्स बनाने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसमें जो मेनली है कि स्लरी जो यूज़ होती है उसको हम फिल्टर एड कभी कभी ऐड करके केक को थोड़ा पोरस बनाते हैं या तो फिर डायरेक्टली हम उसको स्लरी को डालते हैं और फिर फिल्टर करते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस में बैच प्रोसेस होती है, जैसे
फ़िल्टर पैन और फ्रेम वाले में बैच प्रोसेस यूज़ होती हैं, बहुत सारे फ़िल्टर्स में, इवन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस वाले भी फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। फिल्ट्रेशन जो होता है, फ़िल्ट्रेट जो होता है वो क्लियर लिक्विड है जो आपका ऑब्टेन होता है, और फ़िल्टर मीडियम कई वराइटीज़ ऑफ मटीरियल के होते हैं और उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो हमने ये देखा और डार्सीज़ लॉ देखा, डार्सीज़ लॉ विच इज़ रिलेटेड टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो क्या क्या कारक हो सकते हैं, उन कारकों को लेके डार्सी ने एक लॉ बनाया था जिसमें उन्होंने दिया था कि किस चीज़ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़ेगा और किस चीज़ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन पड़ेगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन में से हम अगर एरिया को एक एग्जांपल ले लें, तो एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ़िल्टर पेपर का। जितना ज़्यादा आप एरिया यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा फ़िल्टर होगा, जितना कम एरिया यूज़ करेंगे उतना कम फिल्ट्रेशन होगा वॉल्यूम में अमाउंट जो उसका। उसी तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शन का केस देखें तो इन्वर्सली मतलब उसका उल्टा, यानी अगर कोई एक चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं तो अगला कम होगा। यानी अगर जितना वॉल्यूम आप ज़्यादा अमाउंट आप यूज़ करेंगे स्लरी का, हम विस्कोसिटी की अगर बात करें तो जितना ज़्यादा स्लरी का अमाउंट यूज़ करेंगे और वो जितना ज़्यादा थिक होगी स्लरी, तो जितना वॉल्यूम हम थिक स्लरी का यूज़ करेंगे उतना कम फिल्ट्रेशन यूज़ होगा फिल्ट्रेशन होगा। एक और है कि केक की थिकनेस, जितनी ज़्यादा उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, सबसे बड़ी बात कि जो केक होता है वो धीरे धीरे बनता है, जितना ज़्यादा फिल्टर होता जाएगा एक लेयर बाय लेयर बनती जाएगी तो वो एक मोटा होता जाता है। जितनी ज़्यादा मोटाई केक की बढ़ती जाती है पोरोसिटी कम होती जाती है, इसलिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस गिरने लगता है। तो बहुत पतली धार निकलते निकलते फिल्ट्रेशन फिर बंद हो जाती है। तो ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसका। तो ये डार्सीज लॉ ने अच्छे से समझाया एक इक्वेशन के थ्रू। और बाकी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स और इक्विपमेंट्स आपने समझ लिए। यही था छोटा सा फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन का चैप्टर। आगे चल के हम नेक्स्ट और चैप्टर्स देखेंगे। थैंक यू।